अभी मैं ब्रेक चेक करके दिखाता हूँ, अभी देखना, ये देखो। हेलो दोस्तों, ये ओलेट कैब आना, तो आपको वेस्पा जैसे इसके लुक नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये वेस्पा नहीं है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। कैबाना जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और वेस्पा तो आपको पता ही है पेट्रोल है, तो दोनों का काम अलग अलग है। तो आज ईवोलेट कैबाना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है पेट्रोल की प्राइस डे बाई डे कितने हाई हो रहे हैं, तो मेरी ट्राई हमेशा यही रहती है कि आप लोगों तक मैं बेस्ट से बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर पहुँचाऊँ। तो बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक है कैबाना, बाकी आगे से आप लुक देख सकते हो। लाइट्स की मैं बात करता हूँ, तो प्योर इसमें LED लाइट मिलती है सर्कल डिज़ाइन में। तो ये लाइट दिन में तो शायद आपको ठीक से ना दिखे, बट रात को अच्छी खासी ब्राइटनेस इसमें मिल जाती है। बाकी यहाँ पे साइड मिरर्स मिल जाते हैं जो अभी नहीं लगे, वैसे कैबाना की ब्रांडिंग मिलती है। और ये कुछ डिज़ाइन है, और हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर मिलते हैं। ऊपर DRLs आप देख सकते हो, अभी ओनर DRLs, और ये वेस्पा की तरह स्टाइल मिलता है, वेस्पा भी ऐसे मिलता है। और फाइबर की फुल बॉडी मिलती है, फाइबर बॉडी है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। 90x100 का टायर साइज़ है, और 10 inches के व्हील मिलते हैं, और फ्रंट पे मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो एक बार आप इसके सारे फीचर्स देख लो, इसमें क्या क्या मिलते हैं, उसके बाद इसकी राइड पे चले गए। राइड क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हो कैसी इसकी राइड होती है। बाकी लेग रूम इसमें काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, आप देख सकते हो लेग रूम में तो कोई कमी नहीं है। और ये भी बिल्कुल वेस्पा की तरह है, वेस्पा में भी ऐसा ही स्पेस आगे मिलता है। तो ये तो पूरी वेस्पा की कॉपी लग रही है यार, आगे वाली स्पेस, लुक्स वगैरह सब कुछ सेम ही वेस्पा की तरह है। बाकी यहाँ पे एक हुक भी मिल जाता है, 5kg हुक। और नीचे एक बार ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करते हैं, तो 150 के आसपास का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल ही जाता है। डबल स्टैंड भी मिलता है, सिंगल स्टैंड भी दिया गया है। एक बार आप चाबी भी देख सकते हो, तो चाबी में बिल्कुल सेम ही मिलता है जैसे इलेक्ट्रिक में मिलते हैं, एडवांस की, अलार्म बटन, सेफ्टी लॉक, और स्टार्ट करने का स्विच, ये सब मिल जाते हैं चाबी में। बाकी एक बार इसको ऑन कर लेते हैं और देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या मिलता है। तो आपको शायद दिखेगा नहीं, काफ़ी धूप है यार, तो इसमें बैटरी वोल्टेज, रेंज, स्पीड ये सब दिखाई देते हैं। एंड बाकी हैंडल बार पे हाई बीम, लो बीम, और नीचे हॉर्न और साइड इंडिकेटर के बटन्स, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल, और स्टार्ट करने का स्विच, और ये पार्क मोड, ये सब बटन्स मिल जाते हैं इसमें। तो कैमरा भी फोकस नहीं ले रहा है, लेकिन शायद आपको दिख गया हो पार्क मोड का बटन। बाकी साथ साथ एक काम करते हैं, पर इसकी मैं चाबी निकालता हूँ और इसका बूट स्पेस भी देख ही लेते हैं। तो ये होगा बूट स्पेस इसका ओपन, तो बूट स्पेस इसमें कुछ नहीं मिलता, नीचे इसमें बैटरी लगी हुई है, ये देखो। तो बूट स्पेस में बहुत ही कम मिलता है, एक तरह से आप 2-4 liter का लगा लो। बाकी इसमें USB पोर्ट मिलता है मोबाइल चार्जिंग के लिए, और ये स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। एक बार इसको बंद कर देते हैं, वापस चाबी लगा देता हूँ मैं। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है वेस्पा की तरह है, सर्कल डिज़ाइन में आप सीट देख सकते हो, पीछे से भी बिल्कुल सेम ही है, कॉपी है एक तरह से वेस्पा की। बाकी हैंडल मिल जाता है काफ़ी हैंड ग्रिप करने के लिए, और हेलोजन बल्ब के साथ बैकटाइट लैम्प मिलती है, इंडिकेटर भी हेलोजन बल्ब के साथ है, नीचे रिफ्लेक्टर, टायर साइज भी बिल्कुल सेम है पीछे का 90x100 का, और पीछे वाला अलॉय भी सेम है 10 inches का। सोकर सस्पेंशन मिल जाते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स आप लोग देख रहे हो, और ये राइट साइड में कैबाना की ब्रांडिंग भी आप लोग देख रहे हो। अब थोड़ी बहुत पावर की बात कर लेते हैं, तो 1000 watt की इसमें मोटर पावर मिलती है, मोटर टाइप मिलती है BLDC वाटरप्रूफ, लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। और रेंज की बात करते हैं तो 90 किलोमीटर इसकी रेंज है, और 1.1 मीटर की हाइट मिलती है, 1.7 मीटर की लेंथ मिलती है। ये यहाँ पे लगी हुई है मोटर, BLDC मोटर, और इसका वेट काफ़ी कम है, मतलब आप ये लगा लो कि 80 किलो के आसपास का इसमें कर वेट है, जो मुझे लगता है उससे भी कम है यार, मतलब अंडर 80 kg है, करीब करीब आप 60-70 kg इसका वेट लगा लो। बाकी यहाँ से आप इसको चार्ज करेंगे, यहाँ पे लगेगा इसका चार्जिंग पोर्ट, और सीट बिल्कुल फैब्रिक की मिलती है सर्कल डिज़ाइन में, तो 2 लोगों में बैठने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बाकी लेफ्ट साइड ब्रेक और ये राइट साइड ब्रेक, तो राइड करने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसका वेट काफ़ी कम है यार, काफ़ी कम वेट है, क्योंकि 60-70 किलो वज़न कुछ नहीं होता एक व्हीकल में हम देख रहे तो। और बाकी अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता हूँ, तो आपको 70,000 के आसपास इसकी ओनर प्राइस आराम से मिल जाती है।
तो इस प्राइस में तो ठीक ही यार, रेंज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता अच्छी तरह से। बाकी आप DRS देख सकते हो, अभी ऑन है, मैंने ब्राइटनेस कम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो DRS भी इसमें मिल जाते हैं। एक काम करते हैं, आप टाइम वेस्ट ना करते हो ना, सीधी इसकी राइड पे चलते हैं, राइड पे काफ़ी मजा आएगा क्योंकि उसका वेट काफ़ी कम है। चलो राइड पे चलते हैं। तो बाकी एक बार यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ यार, मतलब लेग रूम तो काफ़ी अच्छा है, लेग रूम की तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार इसमें प्रॉब्लम ये कि मिरर अभी लगे नहीं इसमें यार, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है ज़्यादा साइड मिरर के बिना चलाने की। नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यार क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी रखी नहीं थी मिरर, तो इस वजह से मैं ला नहीं पाया मिरर, साइड मिरर इस पर लगा नहीं पाया। तो मैं तो कोई बात नहीं यार, वैसे भी अंदर ही अंदर चलाना है तो साइड मिरर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई अभी तक बेसिकली। वैसे तो अभी 2 मिनट आई, 2 मिनट ही तो हुए है चलाए हुए, तो क्या प्रॉब्लम नज़र आएगी 2 मिनट में। ये देखो यार, मतलब कितना अच्छा पिकअप है, सबसे बड़ी बात है एकदम, इतनी हैंडल पोजीशन जो है ना बिल्कुल एक छोटी सी जैसे बच्चों की साइकिल होती है ना, मतलब वेट बहुत कम, हल्का यार इसका, काफ़ी कम वेट है, काफ़ी लाइट वेट है, और उसी की वजह से चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखो हैंडलिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है, ये देखो यार। एक बार मैं आगे स्पीड में जाके एक बार ब्रेकिंग टेस्ट करता हूँ, और ये किए मैंने ब्रेक प्रेस, ओह माय गॉड, ब्रेक अच्छे है यार, अच्छे ब्रेक है, और गड्ढे वगैरह फील हो नहीं रहे हैं। वैसे भी इस रोड पे ज़्यादा गड्ढे वगैरह है नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी ये छोटे मोटे तो ज़्यादा फील हो नहीं रहे हैं। और हॉर्न भी काफ़ी अच्छा खासा लाउड मिल जाता है। ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीट क्या है कि इसकी काफ़ी छोटी है, तो मुझे लगता है कि 2 लोगों को प्रॉब्लम जाने में एक हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसमें 2 लोग बैठेंगे तो, क्योंकि अब एक कंफर्टेबल तो बैठना पड़ेगा यार, तो 2 लोगों में दिक्कत हो सकती है बैठने में, लेकिन मैं अभी सिंगल बंदा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये बिल्कुल ना वेस्पा स्टाइल में है, वेस्पा आपने देखा होगा तो बिल्कुल उसी की स्टाइल में, ये जो अपना ये कॉर्पेट है हैंडल का बिल्कुल उसी की स्टाइल में मिलता है। बट इसमें यार छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि पीछे मिलते अपने को ड्रम ब्रेक, अगर पीछे भी डिस्क मिलते ना तो वो एक नंबर की बात होती, मतलब सेफ्टी के लिए अच्छा हो जाता है डिस्क ब्रेक। बाकी ड्रम ब्रेक भी अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो टो स्पीड मुझे लगता नहीं कि इसमें चेक हो पाएगी, बाकी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है अभी किसकी टो स्पीड कितनी है। बाकी वाइब्रेशन तो फील होती नहीं इलेक्ट्रिक में, ऐसा बहुत कम, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें वाइब्रेशन फील होती है, तो इसमें कोई वाइब्रेशन इसमें भी फील ही नहीं हो रही है। ओके तो यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है, हाँ यहाँ से रास्ता बंद कर रखा था, इसका मतलब यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न से लेना पड़ेगा, अंदर से निकालते हैं तो यहाँ पे आ गए गड्ढे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कि गड्ढे फील हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो गड्ढे तो फील नहीं हो रहे यार, इतने फील नहीं हो रहे हैं, लेकिन जितनी मर्जी अच्छी सस्पेंशन हो कहीं ना एक फील ज़रूर हो जाता है कि यहाँ गड्ढे है, लेकिन इसमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा है गड्ढे का। और हॉर्न बजाना इसमें काफ़ी इजी है,
क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर ना मतलब इस जगह पे लगे होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे इंडिकेटर दे रखे हैं ना, यहाँ पे ऑन का स्विच होता है लेकिन ये हल्का ऊपर मिलता है। तो ये देखो बिल्कुल एकदम से एकदम, तो सिटी राइड के लिए बेस्ट है यार। हाईवे मुझे लगता नहीं, जाने को तो हाईवे पे जा सकती है यार ये, लेकिन सिटी राइड के लिए बेस्ट है। बट टॉप स्पीड में चेक करता हूँ, थोड़ा रोड खाली मिल गया है। अभी तो 25 मिनट टॉप स्पीड चल रही है। तो 25 के ऊपर गई नहीं यार ये। जाने दी 25 के ऊपर, तो इसका मतलब क्या लगा ले 25 की टॉप स्पीड। एक बार दोबारा चेक करता हूँ मैं। तो 23, 24 और ये 25। और अभी देखो मैं चल रहा हूँ, पूरी रेस दे रखी मैंने और देखो 25 पे अटकी पड़ी है। तो भाई अटक गई स्पीड, अटक गई 25 पे। इसका मतलब है 25 की टॉप स्पीड है। अब 25 की टॉप स्पीड लेके आप हाईवे पे तो जा नहीं सकते यार, तो इसका मतलब सिटी राइड के लिए बेस्ट है। बाकी एक बार यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ, दोबारा हल्का सा कुछ ना तो और चेक करते, अच्छे से ब्रेकिंग वगैरह अच्छे से दोबारा चेक करता हूँ मैं। ये देखो स्किट लगी, आपने देखा अभी पीछे आवाज़ आई ऐसी टायर की स्किट। ये देखो, हो सकता है आपको ना सुनाई दे बट आवाज़ आ रही है यार टायर की, जैसे ब्रेक लगते हैं ना एकदम से स्किट। अभी देखना ये देखो आवाज़ आ रही होगी आपको यार, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये ड्रम ब्रेक की बात है, एक तो क्या कि स्कूटी का कलर भी काफ़ी कैची है, मतलब ये कैबाना जो अपना ऑरेंज, ये ऑरेंज मैट कलर है तो ये भी काफ़ी कैची है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो लुक होते हैं ना वो पेट्रोल से थोड़े कहीं ना कहीं अलग होते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर कहीं ना कहीं अलग दिख जाता है। लेकिन इसका मैट ऑरेंज कलर ना एक नंबर का लग रहा है। कलर ऑप्शन इसमें काफ़ी मिल जाते हैं, वैसे वाइट कलर भी है इसमें और भी कलर है। अभी मैं ब्रेक चेक करके दिखाता हूँ, अभी देखना। ये देखो यार ये आवाज़ आ रही है यार एक नंबर की। तो ब्रेकिंग इससे पता चला ब्रेकिंग कितने अच्छे है। तो सिटी राइड के लिए मेरी तरफ से थम्स अप है, हाईवे राइड के लिए तो मैं क्या बोलूँ यार, 25 की टॉप स्पीड हाईवे पे कैसे चलाओगे आप। लेने के तो कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आप 25 स्पीड लेके जा सकते हो हाईवे पे तो बिल्कुल लेके जाइए यार, कोई मना थोड़ना है। तो काफ़ी हल्की है, मतलब काफ़ी लाइट वेट है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, 25 की टॉप स्पीड है और पिकअप भी काफ़ी अच्छा खासा मिल ही रहा है इसमें, तो और क्या दिक्कत है, और क्या चाहिए यार। तो बाकी ये था कैबाना का रिव्यू, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, गुड लक।